तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है लोन रेसर सी। तो गाइस बहुत से लोग एक चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा वो यानी कि डबल चैंपियन के लिए होगा या फिर चैंपियन वर्सेस चैंपियन को होगा, लेकिन कोडी रोड्स ने इस बात को अभी से क्लेरिफाई कर दिया है और ये मैच होगा फॉर ऑल द गोल्ड। यानी कि जी हाँ, अब इस मैच में टाइटल वर्सेस टाइटल की मैच यानी कि टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा, क्योंकि जब WWE ने ट्वीट किया था कि कोडी रोड्स फेस करेंगे लोगन पॉल को चैंपियन वर्सेस चैम्पियन, और इसको कोडी रोड्स ने रीट्वीट करके ये कहा है फॉर ऑल द गोल्ड, यानी कि दोनों टाइटल ऑन द लाइन है। तो अब ये बात क्लेरिफाई हो गई है कि ये मैच हमें टाइटल वर्सेस टाइटल देखने को मिलेगा। अभी इस मैच में किसके जीतने के चांसेस हैं मैं आप लोगों को यानी ध्यान से बताता हूँ। इस मैच में जिसके जीतने के चांसेस हैं वो हैं कोडी रोड्स। जाहिर सी बात है कोडी रोड्स 100% मैं कहता हूँ इस मैच में जीतेंगे और डबल चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जो कोडी रोड्स और लोगन पॉल का मैच होगा ये काफ़ी ज़्यादा क्लासिक मैच होगा, क्योंकि जो लोगन पॉल के मैचेस होते हैं वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा क्लासिक होते हैं। और इस बार तो लोगन पॉल भी यानी कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप में, तो ऐसे में लोगन पॉल पूरी हिम्मत लगाएंगे इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। और इस मैच में जो विक्ट्री मिलेगी कोडी रोड्स को ही विक्ट्री मिलेगी, लेकिन ये मैच काफ़ी ज़्यादा क्लासिक मैच देखने को मिलेगा। तो मैं तो इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मैच मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा औसम होगा। तो इस मैच में आप लोगों का क्या रिएक्शन है और क्या सोचना है कि इस मैच में किस सुपरस्टार को विक्ट्री मिलनी चाहिए और कौन सा सुपरस्टार डिजर्व करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। और गाइस जो सेकंड अपडेट है वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए है, यानी कि इसका फाइनल मैच कौन सा सुपरस्टार जीतेगा। अब गाइस जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो है यानी कि तामा टोंगा। जी हाँ, तामा टोंगा के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हाल ही में आप लोगों को यानी आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो WWE Bloodline को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। तो इस वजह से जो तामा टोंगा है इसके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और ये फाइनल में जाएगा। अब हमें तामा टोंगा वर्सेस एली नाइट का मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि एली नाइट ने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो गाइस आज की मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज लग रही होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर है, मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इस मैच में एली नाइट जो वर्सेस जो तामा टोंगा का मैच होगा, इस मैच में तामा टोंगा जीतेंगे, और इसका जो फाइनल टूर्नामेंट होगा यानी कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा उसमें भी तामा टोंगा के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि कौन से सुपरस्टार के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो तामा टोंगा वो सुपरस्टार होंगे जिसके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इस मैच में तो इस टूर्नामेंट में आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, किस सुपरस्टार को फाइनल टूर्नामेंट जीतना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। और गाइस जो लास्ट एंड फाइनल अपडेट है वो डीन एम्ब्रोस के बारे में है, यानी कि जॉन मॉक्सले के बारे में है, क्योंकि AEW में डीन एम्ब्रोस को जॉन मॉक्सले के नेम से जाना जाता है। तो अब आप लोगों के यानी ये हर किसी फैंस का सवाल होता है कि डीन एम्ब्रोस आखिर कब WWE में आएंगे, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि डीन एम्ब्रोस कितने बड़े सुपरस्टार थे, द शील्ड के मेंबर थे। तो ऐसे में WWE को हमसे ज़्यादा पता होगा कि ये जो मेंबर है कितना ज़्यादा खास है। तो अब जो ट्रिपल एच का ध्यान है वो यही है कि जैसे कैसे करके जो डीन एम्ब्रोस उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए AEW के साथ, और AEW के साथ यानी कि रीसाइन करने से पहले पहले वो उनको ऑफर देते हैं WWE में आने के लिए, क्योंकि ट्रिपल एच अच्छे से जानते हैं अगर फ्यूचर में अगर फ़ायदा उठाना है अर्निंग में, यानी अर्निंग में, रेवेन्यू में, जिस हर तरह से व्यूअरशिप में जिस तरह से भी उनको फ़ायदा उठाना है, तो उनको डीन एम्ब्रोस को WWE कंपनी में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं गाइस। जैसे कि रोमन रेंस, सेथ रोलिंस सुपरस्टार हैं, इसी तरह ये डीन एम्ब्रोस भी काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि डीन एम्ब्रोस एक दिन WWE में लाजमी आएंगे, क्योंकि डीन एम्ब्रोस की जो कैरियर की शुरुआत हुई थी वो WWE कंपनी से हुई थी, और जब डीन एम्ब्रोस रिटायरमेंट लेंगे रेसलिंग के कैरियर से तो वो WWE में ही लेंगे, क्योंकि डीन एम्ब्रोस ने कहा था कि उनको सिर्फ पैसे चाहिए, अगर उनको WWE को अच्छी ऑफर देती है तो वो लाजमी WWE में आना चाहेंगे। तो गाइस इसमें आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। तो गाइस बस आज की इस वीडियो में छोटी सी अपडेट थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लास्ट में कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।